Hello everyone, today we gonna talk about topic scientific management developed by F.W. Taylor. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि F.W. Taylor कौन था. F.W. Taylor का फुल नेम था फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर था, ठीक है. और इसे एक कंपनी में अपॉइंट किया था गया था और जब इसे अपॉइंट किया गया था तो इसने देखा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं. तो इसने क्या किया, कुछ टेक्निक्स को डेवलप किया ताकि कंपनी की जो है ग्रोथ हो सके. उन टेक्निक्स को उसने अपनी साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके डेवलप किया था, जिसकी वजह से उन्हें साइंटिफिक टेक्निक्स बोला गया. और जो टेक्निक्स डेवलप की उसकी वजह से फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का टैग दिया गया. तो इसने कुछ प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स डेवलप की थी. पहले हम प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर क्या बोलता है कि सब कुछ साइंटिफिकली होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए हर काम करने को पीछे. ऐसा नहीं है कि हमारा मन कर रहा है कि हम कुछ टेक्निक यूज़ करें तो हम करें और नहीं कर रहा है तो नहीं करें. नो, देयर इज़ समथिंग लाइक ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, सब कुछ होना चाहिए, उसके बाद ही जो है रूल्स बनने चाहिए. नेक्स्ट अप इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. F.W. Taylor का मानना था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुल एनवायरनमेंट होगा तो जो काम है वो अच्छे से होगा. इसलिए जो सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स हैं और जो सेम लेवल के पीपल हैं उनको पीसफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना चाहिए और जेलसी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट रूल इज़ कॉरपोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज़म. दिस प्रिंसिपल इज़ जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि सबके साथ कॉरपोरेट करके काम करना है, ना कि इंडिविजुअली अपने मकसद के लिए. नो, टीम को लेकर चलना है. नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल इज़ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. उसने ये टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स क्यों बनाई थी, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे. तो उसने क्या इंश्योर किया कि जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम करें, कैसे, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके. सो दीज आर द फोर प्रिंसिपल्स विच ही हैज़ गिवन. इसके अलावा उसने कुछ टेक्निक्स जो बनाई थी, जो जिन्हें हम साइंटिफिक टेक्निक्स जो है कह सकते हैं. साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर्स आर, फर्स्ट इज़ फंक्शनल फॉरमैनशिप. उसने क्या किया था कि एक फैक्ट्री यूनिट को दो हिस्सों में डिवाइड किया, प्लानिंग और प्रोडक्शन. उसके प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज बनाए. प्लानिंग इंचार्ज के अंडर इंस्ट्रक्शन कार क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर को रखा. उसके अंडर जो है एम्प्लॉयज़ और वर्कमैन रखे गए. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क वो पर्सन होगा जो सब इंस्ट्रक्शंस देगा कि कौन सा काम कैसे होना चाहिए. रूट क्लर्क है जो ये डिसाइड करेगा कि इंस्ट्रक्शन के साथ हमें काम को पूरा कैसे करना है और किस वे से करना है. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा कि टाइम सेट करेगा कि इतने टाइम में और इतनी कॉस्ट में ये काम हो जाना चाहिए. और डिसिप्लिनेरियन का काम होगा कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा सारी चीज़ों में. स्पीड बॉस का काम ये है कि वो इंश्योर करेगा कि जो काम है वो सही स्पीड से हो रहा है, कोई ज़्यादा स्लो काम नहीं कर रहा है. ज़्यादा फास्ट काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बट जो एवरेज टाइम है उससे कम पर जो है काम नहीं होना चाहिए. गैंग बॉस का काम है कि वो सब कुछ मेंटेन करेगा कि जो काम करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ पे हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई गप्पे तो नहीं लड़ा है. सो एवरीथिंग इज़ अंडर द गैंग बॉस. रिपेयर बॉस का काम है कि वो मशीन्स की रिपेयर्स देखेगा, और इंस्पेक्टर का काम है वो सब कुछ इंस्पेक्ट करेगा कि सब अच्छे से हो रहा है या नहीं. सेकंड टेक्निक वाज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो ताकि वो अच्छे से समझ आ सके और अच्छे से वो किया जा सके. नेक्स्ट इज़ फटीक स्टडी. अभी हम 2400 घंटे तो काम नहीं कर सकते. अगर दिन में 9 से 5 भी हम काम कर रहे हैं तब भी हमें थकावट होती है. तो फटीक स्टडी में देखा जाता है कि एक पर्सन को काम करते समय कितने टाइम बाद ब्रेक चाहिए और कितनी टाइम की ब्रेक चाहिए. नेक्स्ट टेक्निक इज़ मेथड स्टडी. इसमें देखा जाता है कि अगर कोई काम हम करने वाले हैं तो वो काम किस तरीके से किया जाएगा. इसमें ऑल्टरनेटिव्स बनाए जाते हैं, ऑल्टरनेटिव 1, 2 और 3. उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें सबसे अच्छा आउटपुट दे रहा है.
नेक्स्ट टेक्निक इज़ टाइम स्टडी। इसमें देखा जाता है कि कौन सा काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। मोशन स्टडी, एक काम करने के लिए कितने मोशंस लग रहे हैं, लाइक कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, उसे टूल्स की ज़रूरत है, वो झुक के उठा रहा है टूल्स, सो दैट इज़ अ मोशन। तो इसके अलावा क्या किया जा सकता है, उसके टूल्स डेस्क पे रखे जा सकते हैं ताकि उसका एक मोशन कम हो जाए। नेक्स्ट इज़ डिफरेंशियल पीच वेज सिस्टम। इसके अंडर क्या है कि एक पर्सन को उसके काम, उसके स्किल्स और उसके टाइम के अकॉर्डिंगली ही पे किया जाना चाहिए। यही नहीं है कि अगर वो एक ही लेवल पे हैं तो उन्हें एक ही तरह की वेजेस दी जाए, नो, उनके काम और उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली उन्हें पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में क्या इंश्योर किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें कम से कम कॉस्ट में, जो हमने रिज़ल्ट देने हैं वो हमारे एफिशिएंट हों ज़्यादा से ज़्यादा और उसकी कॉस्ट भी कम से कम हो। एंड द लास्ट टेक्निक्स वी हैव इज़ मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टेक्निक है। क्यों है? क्योंकि अगर जो काम कर रहे हैं वर्कमैन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सुपीरियर हैं, सबॉर्डिनेट, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा किसी भी चीज़ को लेके, कास्ट को लेके, क्रीड को लेके, और जो सुपीरियर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, जो ऑनर्स हैं वो अपने जो मैनेजर्स हैं और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, तो कोई भी उनके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए मेंटल रेवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो एक हार्मोनियल एनवायरनमेंट जो है बना सकें। तो ये थी कुछ टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स जो F.W. टेलर ने बनाए थे, जिन्हें हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।